हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन में आत्मा या पुरुष के स्वरूप पर। सांख्य दर्शन, जैसा कि हम जानते हैं, द्वैतवादी दर्शन है। वह दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। पहला तत्व है प्रकृति और दूसरा तत्व है पुरुष। अन्य दर्शनों में जिसे आत्मा कहा गया है, सांख्य दर्शन में उसे ही पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। सांख्य के मतानुसार आत्मा या पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से भिन्न है। यह सांसारिक विषय नहीं है। आत्मा वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो हमेशा ज्ञाता के रूप रहता है, कभी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। यह चेतना का आधारभूत द्रव्य नहीं है, किंतु स्वतः चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य इसका गुण नहीं बल्कि स्वभाव है। पुरुष या आत्मा केवल दृष्टा है, जो प्रकृति की परिधि से परे है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसका ज्ञान सदा बना रहता है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, वह निष्क्रिय और अविकारी होता है। वह स्वयंभू, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है, जो सभी विषयों में असंपृक्त और राग द्वेष से रहित है। जितने कर्म या परिणाम हैं, जितने सुख या दुख है, वे सब प्रकृति और उसके विकारों के धर्म में आत्मा को शरीर या इंद्रिय, मन या बुद्धि समझ लेना भ्रम है। जब ऐसे अज्ञान के कारण पुरुष अपने को शरीर या इंद्रिय समझ बैठता है, और तभी उसे आभासित होता है कि वह कर्म या परिवर्तन के प्रभाव में पड़कर नाना प्रकार के दुख या क्लेशों के दलदल में फंस गया है। अब बात करते हैं पुरुष के अस्तित्व के लिए दिए गए प्रमाणों की। पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन ने जो कारिका दी है, वह है संघात परार्थवात त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्त भवात केवल्यार्थ प्रवर्तिष्य। इस कारिका में सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि के लिए निम्न प्रमाण दिए गए हैं। पहला है संघात परार्थवात, जो कि प्रयोजन मूलक तर्क भी कहते हैं इसे, जिसका तात्पर्य है कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं वे संघातमय हैं, जैसे घर, घड़ा, कपड़ा आदि सभी, और संघात में वस्तुएं हैं वो परार्थ या दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। ये जिनके उद्देश्य के साधन हैं वे अचेतन नहीं हो सकते। अचेतन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता। अतः संघातों के अतिरिक्त कोई चेतन सत्ता या चेतन पुरुष अवश्य है। दूसरा तर्क या प्रमाण है त्रिगुणादि विपर्यात, जिसे तर्कशास्त्री तर्क भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि ये पुरुष साधन स्वरूप विषयों से सर्वथा भिन्न है। अर्थात विषयों की तरह वे जड़ और सावयव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से वे भी किसी के लिए साधन बन जाते हैं। तीसरा तर्क है अधिष्ठानात, जो कि सत्तामूलक प्रमाण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सभी जड़ द्रव्य किसी चेतन सत्ता के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे मशीन तभी कार्य करती है जब उसकी गतिविधि का नियामक कोई कारीगर करता है। इस तरह जड़ प्रकृति और उसके विकार बिना पुरुष की सहायता के सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। उनकी क्रियाओं का निर्देशन चेतन पुरुष या आत्मा अवश्य होना चाहिए। चौथा प्रमाण है भोक्त भवात, जो कि नीति शास्त्री तर्क भी कहलाता है, जिसका अर्थ है संसार भोग्य पदार्थों से भरा है,
यदि उनका चेतन भोक्ता यानी भोग करने वाला नहीं रहे तो फिर उसका भोग कैसे संभव होगा। तो इस भोग्य पदार्थ का जो चेतन भोक्ता या भोग करने वाला है वह पुरुष या आत्मा है। पांचवा तर्क है केवल्यार्थ प्रवर्ते, इसे आध्यात्मिक तर्क भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि जगत में कुछ पुरुष ऐसे हैं जो दुखों के चक्र से मुक्ति पाने के लिए वास्तव में प्रयत्न करते हैं, यानी जो मोक्ष की कामना करते हैं। सांसारिक विषयों के लिए यह संभव नहीं, क्योंकि वे स्वतः दुख के कारण होते हैं, न कि उनकी निवृत्ति के। इसलिए दुख में जड़ जगत से परे आत्मा या अशरीरी पुरुष हैं, ऐसा मानना आवश्यक है। नहीं तो मोक्ष और मोक्ष पाने की इच्छा, जीवन मुक्त महात्मा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अतः इस तरह से पुरुष या आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। अब बात करते हैं पुरुष की अनेकता के लिए प्रमाण। सांख्य दर्शन अनेक पुरुषों या आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसीलिए इनका आत्मा से संबंधित सिद्धांत अनेकात्मवाद भी कहलाता है। उनका मानना है कि प्रत्येक जीव का पृथक पृथक आत्मा है, और उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने इन युक्तियों से उसकी अनेकता को प्रमाणित किया है। पहली है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जन्म मरण में और ज्ञान और कर्म में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। एक के जन्म या मृत्यु होने से सभी का जन्म या मृत्यु नहीं हो जाती। एक के अंध या बधिर होने से सभी अंधे या बहरे नहीं हो जाते। सभी जीवों में एक ही आत्मा का अस्तित्व होता तो एक के जन्म मरण से सबका जन्म मरण हो जाता, एक के अंधा बहरा होने से सब अंधे बहरे हो जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है। दूसरा तर्क है यदि जीवों में एक ही आत्मा रहती या रहता तो एक में कोई क्रिया होने से सब में वही क्रिया परिलक्षित होती, परंतु ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब एक व्यक्ति सोया रहता तब दूसरा कोई काम कर रहा होता है, जब एक रोता है तब कोई दूसरा हंस रहा होता है, इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा भिन्न भिन्न है या अनेक है। तीसरी युक्ति है स्त्री पुरुष चाहे एक तरफ पशु पक्षियों के ऊपर की श्रेणी में है, वहीं दूसरी तरफ देवताओं की से नीचे की श्रेणी में है। यदि पशु पक्षी मनुष्य देवता सभी में एक ही आत्मा का निवास होता तो ये विभिन्नताएं नहीं होती। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि आत्मा या पुरुष एक नहीं अनेक है। ये आत्मा या पुरुष नित्य दृष्टा या ज्ञाता स्वरूप रहते हैं। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति विषयों का जड़ आधार है, पुरुष उनका चेतन दृष्टा है। प्रकृति प्रमेय है और पुरुष प्रमाता है। धन्यवाद।